गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर. टूडे वी विल डू आवर टॉपिक नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल्स. हाउ वी कैन चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, देर इज सम रूल्स. वी विल डू स्टेप बाय स्टेप दीज रूल्स. फर्स्ट, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर. मीन्स जो नाउन डिनोट मीन्स जो है पॉइंट आउट करता है या फिर जैसे इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है सिंगुलर नाउन, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो थिंग है या फिर जो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, नेम जो दिए हुए होते हैं उनमें वो वन पर्सन की बात कर रहे हैं या टू पर्सन की. ठीक है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो है वन थिंग है या टू. जैसे जो वन थिंग की तरफ हमें जो है इंडिकेट करता है या पॉइंट आउट करता है कि दिस इज वन, तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन कहलाता है. सेकंड थिंग, फॉर एग्जांपल, जैसे कार्ड, वोल्फ, वुमेन. नेक्स्ट है जैसे अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल. जो टू या टू से ज्यादा थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं जो वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन्स. जो वर्ड्स टू या टू से ज्यादा थिंग्स की को पॉइंट आउट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, कार्ड्स, वोल्व्स, वीमेन. जैसे कार्ड था ऊपर, तो सिंगुलर में कार्ड, प्लूरल में क्या हो जाएगा, कार्ड्स. वोल्फ सिंगुलर, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, वोल्व्स प्लूरल. वुमेन सिंगुलर, वीमेन प्लूरल, एम ई एन. तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि इनको हम कैसे चेंज करते हैं. तो वन बाय वन हम इन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट रूल है, फर्स्ट जो आपने वर्ड देखा, जैसे सी ए आर डी, कार्ड, और प्लूरल में हमने इसके पीछे क्या ऐड किया, एस. तो इसी तरह से जैसे वी एड एन एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन टू चेंज देम इनटू प्लूरल. मोस्ट ऑफ द नाउन्स को हम जो है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते टाइम एस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, बर्ड, बर्ड्स, एनिमल, एनिमल्स, ट्रेन, ट्रेन्स. तो यहाँ हमने सिर्फ टू सिर्फ जो है एस को ऐड किया और सिंगुलर से इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब नेक्स्ट रूल है, जैसे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ अ नाउन एंड्स इन एस, जिस नाउन मीन्स जिस वर्ड के पीछे एस, एक्स, एस एच, सी एच, और इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएस. मीन्स जिस वर्ड के पीछे जो सिंगुलर वर्ड है और उसके पीछे एस, एक्स, एस एच, सी एच दिया हुआ है, तो हम उसके लास्ट में सिंगुलर से प्लूरल में जब हम उसको चेंज करेंगे तो ई एस को ऐड कर देंगे. तो क्या कर देंगे, ई एस को ऐड कर देंगे उसके साथ. अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम वन बाय वन ये एग्जांपल लेते हैं. इफ अ, जैसे कि फर्स्ट, जी एल ए डबल एस, ग्लास. ग्लास में एस था, तो हमने इसके पीछे क्या ऐड करना है, जिस वर्ड के पीछे एस हो क्या ऐड करना है, ईएस, ग्लासेस. बॉक्स, बॉक्स में लास्ट में क्या है, एक्स. एक्स जहां हमें मिलेगा तो क्या ऐड करना है, ईएक्स, बॉक्सेस. ब्रश, ब्रश में एस एच दिया हुआ है तो हमें क्या ऐड करना है, ई एस, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रश. अब नेक्स्ट है चर्च. चर्च में सी एच लास्ट में है और जहां सी एच लास्ट में होगा तो हमें क्या ऐड करना था रूल के अकॉर्डिंग, ई एस. तो हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, ई एस, चर्चिज.
नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट रूल जो है, इफ ए नाउन एंड्स इन वाई एंड देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, अगर कोई भी वर्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, तो अब जो है कोई भी वर्ड जिसके पीछे वाई हो, जिसका लास्ट वर्ड जो है वाई है, और उससे पहले, वाई से पहले जो कोई भी वर्ड आया है वो जो है अगर कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम जो है जैसे ए ई ए ई आई ओ यू, ये है हमारे पास फाइव वोवल, 20 जो है लेटर्स कितने होते, मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं टोटल 26, 26 में से 5 हमारे पास वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये टोटल हमारे पास 5 है, 26 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो 21 हमारे पास क्या बच गए, कॉन्सोनेंट, क्या बच गए, कॉन्सोनेंट, ये जो है कॉन्सोनेंट हमारे पास बच गए, 5 क्या है वोवल्स, 5 क्या है वोवल्स, तो टोटल जो 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट है वो अगर वाई, जहां हमारा वर्ड वाई पे जो है लास्ट लेटर जो है वाई है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो हमें उसके लास्ट में आई ई एस को ऐड करना है, आई ई एस को ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ए आर एम वाई आर्मी, आर्मी में वाई है लास्ट में रूल के अकॉर्डिंग और उससे पहले एम, एम दिया हुआ है, तो एम क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम आई में चेंज कर देंगे और ई एस ऐड कर देंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे और ई एस को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास आर्मीज, ए आर एम आई ई एस आर्मीज। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटी, डी यू टी वाई, तो लास्ट में वाई दिया हुआ है और इससे पहले टी है, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या ऐड करना है, वाई को हटा दो और आई ई एस को ऐड कर दो, डी यू टी आई ई एस ड्यूटीज। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली में जैसे कि एफ ए एम आई एल वाई, तो वाई से पहले एल एल कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस को हम ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आपको ये रूल जो है लर्न करना है कि किसी भी जो है वर्ड से पहले, वर्ड के लास्ट में वाई है तो वाई से पहले जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हमें आई ई एस ऐड करना है और वाई को रिमूव कर देना है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा रूल, इफ ए नाउन, इफ ए नाउन एंड्स इन वाई एंड देयर इज ए वोवल बिफोर वाई, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिमूव करके हम आई ई एस ऐड कर देंगे और अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवल हो, वोवल मीन्स ए ई आई ओ यू, इन फाइव में से कोई भी अगर वाई से पहले है तो हमें जो है आई को, सॉरी वाई को रिमूव नहीं करना है, हम सिर्फ टू सिर्फ उसके साथ वाई एस ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे एस ऐड कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डी ए वाई डे, वाई है लास्ट में पर इससे पहले ए है, ए क्या है वोवल है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ टू सिर्फ एस ऐड करना है, डी ए वाई डेज, प्ले पी एल ए वाई प्लेज, की के ई वाई ई आई ए आई ओ यू, ई क्या है वोवल, तो वोवल आ गया और उसके बाद वाई है तो हम क्या करेंगे एस ऐड कर देंगे, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा की से कीज। नेक्स्ट रूल है इन सम सिंगुलर नाउन्स, इन सम सिंगुलर नाउन्स विच एंड्स इन एफ और एफ ई, जो नाउन्स, जो नेमिंग वर्ड्स एफ और एफ ई जिसके लास्ट में हो तो क्या करना है, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इन टू वी ई एस,
एफ और एफ ई किस में चेंज हो जाएगा, वी ई एस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ, वुल्फ में जैसे कि एफ को हम चेंज करके जो है हटा देंगे और किस में क्या कर देंगे एड, वी ई एस, वी ई एस क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, वोल्व्स, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वोल्व्स। नेक्स्ट है थीफ, टी एच आई ई एफ थीफ, थीफ का जो है इसमें क्या बन जाएगा, थीव्स। नेक्स्ट है नाइफ, के एन आई एफ ई, लास्ट में क्या है एफ ई, एफ ई को हटा देंगे क्या बन जाएगा, के एन आई वी ई एस नाइव्स। नेक्स्ट हमारे पास रूल है जैसे कि इफ अ नाउन एंड्स इन ओ इन सम वर्ड्स द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस, जिसके वर्ड के लास्ट में ओ हो तो हमें जो है उसमें प्लूरल में चेंज करते टाइम हम उसके लास्ट में ई एस को ऐड कर देंगे। जैसे बफलो, बी यू डबल एफ ए एल ओ बफलो, बफलो का क्या हो जाएगा बफलोज। हीरो, एच ई आर ओ, लास्ट में क्या आर ओ, ओ दिया हुआ है तो ई एस को ऐड करना है, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। नेक्स्ट है द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन एन इरेगुलर मैनर, जो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं कुछ नाउन नेमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई रूल ही नहीं होता उनको चेंज करने का, वो हमें लर्न करने होते हैं। तो वो जो है कुछ जो है वर्ड्स हैं वो आप याद भी कर सकते हो, और पहले मैंने आपको इसमें आपकी बुक में भी है वो मैंने करवाए हुए हैं, जैसे कि माउस, माउस का क्या हो जाएगा माइस, टूथ टिथ, चाइल्ड चिल्ड्रन। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इनका कोई भी रूल नहीं होता। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म, जैसे कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे सीजर, सीजर्स में एस एस ही आएगा लास्ट में, एस नहीं हटा सकते, क्या वर्ड है सीजर्स। मैथमेटिक्स, जींस, जींस सिंगुलर में यही रहेगा, प्लूरल में भी यही रहेगा, बट इसके साथ जैसे अ पेयर ऑफ जींस, या फिर जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नेम हो गया सीजर्स, टू सीजर, थ्री सीजर, ठीक है। तो यहाँ हम सीजर्स ही यूज करेंगे, मैथमेटिक्स, जींस, सीजर्स, ये जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन प्लूरल, कुछ नाउन नेमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। जैसे शिप, एस एच डबल ई पी, शिप, शिप जो है सिंगुलर में भी यही रहेगा, प्लूरल में भी यही रहेगा, इसके साथ हम एस और एस कभी ऐड नहीं करते। एयरक्राफ्ट, 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 डियर, डी डबल ई आर, डियर का डियर ही रहता है, कभी भी डियर्स नहीं होता। तो ठीक है, आप ये जो है वर्ड्स एज इट इज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यही यूज करते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इस बेस पे आपको एक्सरसाइज करनी है, एज अ होमवर्क आपको एक्सरसाइज एस और टी, एस और टी जो है दोनों एक्सरसाइज आपको एज अ होमवर्क करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में या फिर ऑनलाइन क्लास में हम इनको मैच करेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या रूल्स लर्न किए हैं या रिवाइज किए हैं, उस बेस पे आपने इसमें यहाँ क्या फिल किया है। ओके बेटा, थैंक यू, एंड राइट, सॉरी, लर्न दीज रूल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।